हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत राज बेटा, हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 114 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा सिस्टम्स। ये देख लीजिए बेटा, थर्मोडायनामिक्स ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम। थोड़ा देख लीजिए, पेपर थर्ड आज हमने स्टार्ट कर दिया है। पेपर थर्ड ये है आपका, पेपर थर्ड में बेटा, जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। पेपर थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री का एक पेपर है, अंक किसके लिए 34 मार्क का आएगा। ठीक, तो यहां पर भी देख लीजिए यूनिट कितनी है, यूनिट फोर्थ है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट में बेटा एक चैप्टर रखा गया है, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट। यूनिट सेकंड में बेटा दो चैप्टर रखे गए आपके। चैप्टर पहला है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब रासायनिक साम्य। चैप्टर दूसरा है बेटा, फर्स्ट चैप्टर इज योर केमिकल इक्विलिब्रियम, वाइल सेकेंड चैप्टर इज योर थर्मोडायनामिक्स सेकेंड। तो यूनिट फर्स्ट में ये, यूनिट सेकेंड में है दो चैप्टर। ठीक, अब देख लेते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में है भी दो चैप्टर, यह है चैप्टर, दो चैप्टर है यूनिट थर्ड में बेटा। पहला चैप्टर है आपका सॉल्यूशन और दूसरा चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। ठीक, यूनिट फोर्थ ये है आपकी, यूनिट फोर्थ में बेटा दो चैप्टर, यूनिट फोर्थ में भी दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। दूसरा चैप्टर है फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो चैप्टर हो गए बेटा। तो ये हुआ बेटा आपका पेपर थर्ड का सिलेबस। पेपर थर्ड 34 अंकों का आएगा, जिसमें हमने चार यूनिटों को रखा है, चार इकाइयों को। पहली यूनिट में है आपका ऊष्मा गति की प्रथम अर्थात थर्मोडायनामिक फर्स्ट, केवल एक चैप्टर। यूनिट सेकंड में दो चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य, दूसरा थर्मोडायनामिक सेकंड अर्थात ऊष्मा गति की द्वितीय। तो थर्मोडायनामिक्स हमें दो चैप्टरों में पढ़नी है, एक यूनिट फर्स्ट में, एक तो यूनिट फर्स्ट तो पूरा ही थर्मोडायनामिक्स है, फिर यूनिट सेकंड। अब यूनिट थर्ड में बेटा कितने, यूनिट थर्ड में भी दो चैप्टर है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर है विलयन, दूसरा वैद्युत रसायन प्रथम फर्स्ट। ठीक, यूनिट फोर्थ में बेटा इसमें भी दो चैप्टर है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड अर्थात वैद्युत रसायन द्वितीय, दूसरा फेज इक्विलिब्रियम अर्थात फेज साम्य, प्रावस्था साम्य या प्रावस्था नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आज बेटा हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट
यूनिट फर्स्ट में बेटा ये है आपका यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, थर्मो डायनामिक्स फर्स्ट, ऊष्मा गति की प्रथम हो गया। अब देखें आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दिमाग में, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही होना चाहिए बेटा, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स अर्थात ऊष्मा गति की क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स तो हेड में डालो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गति की किसे कहते हैं, आज इंट्रोडक्शन है ये समझ लीजिए आप। थर्मोडायनामिक्स को शॉर्ट में बेटा अब हम टीडीएस पढ़ेंगे, टीडीएस मतलब थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स टीडीएस बहुत लंबा नाम है। तो बेटा आपने देखा होगा जितने भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकल या केमिकल चेंजेस होते हैं, उनमें एक बात कॉमन होती है, उनमें एनर्जी चेंज जरूर होता है, उनमें एनर्जी चेंज होता है। तो लगभग सभी भौतिक रासायनिक परिवर्तनों में, भौतिक रासायनिक परिवर्तनों में एनर्जी चेंज होती है, क्या होती है एनर्जी चेंज। अब यहां थर्मोडायनामिक्स का मतलब थर्मो, एक शब्द है थर्मो, थर्मो का मतलब हीट, टेम्परेचर यानी कि हीट, और हीट एक प्रकार की ऊर्जा है एनर्जी। और डायनामिक का मतलब होता है वैसे मोबाइल, डायनामिक मतलब मोबाइल, मोबाइल मतलब गतिशील, गतिशील। तो इसे शाब्दिक अर्थ दिया है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ होता है फिलो, फिलो ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं फिलो, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड टीडीएस, फ्लो ऑफ हीट, हीट फ्लो हो रही है मतलब मोबाइल हो रही है, गति किसमें हो रही है, हीट में गति हो रही है मतलब हीट फ्लो हो रही है, तो उसे कह दिया थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मो में डायनेमिक हो रही है मतलब गति हो रही है, ठीक है, फ्लो ऑफ हीट मतलब थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत बेटा हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, एनर्जी चेंजेस का स्टडी करते हैं। तो लिख लेंगे ये हो गया शाब्दिक अर्थ, फ्लो ऑफ हीट क्या कहलाती है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, लिखेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत, थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस में होने वाले एनर्जी चेंजेस को, या एनर्जी चेंजेस का इन टीडीएस थर्मोडायनामिक्स में, इन टीडीएस वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं, इन टीडीएस वी स्टडी द एनर्जी चेंज, वी स्टडी द एनर्जी चेंज, the energy changes in TDS we study the energy changes, thermodynamics में हम ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, occur in TDS we study the energy changes, occur in physical and chemical, physical and chemical processes, process
ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में हम भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक हो गया, आगे देखें आप। अब समझ में आ गया था कि थर्मोडायनामिक्स में हमें क्या पढ़ना है, एनर्जी चेंजेस को पढ़ना है जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में होते हैं, ठीक है, उन एनर्जी चेंजेस को। ठीक, अब एनर्जी चेंजेस से संबंधित बेटा ऊष्मा गतिकी के तीन नियम होते हैं, मतलब देयर आर थ्री रूल्स, देयर आर थ्री रूल्स ऑफ टीडीएस। थर्मोडायनामिक्स के तीन नियम होते हैं, विद रेस्पेक्ट टू देयर आर थ्री रूल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी चेंजेस अर्थात जितनी भी ऊर्जा में परिवर्तन होता है थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत, तो बेटा उससे संबंधित कितने नियम है, तीन नियम होते हैं। ठीक है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ठीक है, कोई भी चेंज अभी तक इनके प्रतिकूल नहीं गया, लेकिन बेटा ये सभी नियम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है, यह केवल अनुभवों के आधार पर ही दिए गए हैं, ना कि इनका अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, सभी क्या है, थ्योरेटिकल है।